हेलो दोस्तों, क्या चल रहा है, कैसे हैं आप? उम्मीद है सब परफेक्ट होंगे। दोस्तों, आजकल हम सभी बहुत ज़्यादा बिजी हो गए हैं अपनी लाइफ में, और सच में लोगों में बीमारियों का घर बना दिया है। ऐसा कोई हो ही नहीं सकता जिसे कोई बीमारी ना हो, हर कोई किसी न किसी बीमारी से शिकार है। वहीं हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ जैसी बीमारियाँ तो मानो आम हो गई हैं, लेकिन हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन को सबसे ख़तरनाक बीमारियों में से एक माना जाता है। एक्सपर्ट का कहना है, हाइपरटेंशन एक ऐसी परेशानी है जो कई और बीमारियों के खतरे को बढ़ा देती है। हाई ब्लड प्रेशर में कोलेस्ट्रॉल पर ब्लड का दबाव पड़ जाता है, और अगर ये कंडीशन ज़्यादा टाइम तक बनी रहे तो कई तरह की हार्ट डिजीज़ की वजह भी बन सकती है। दोस्तों, कई बार होता है कि काफ़ी लोगों में सालों तक हाई ब्लड प्रेशर का कोई भी लक्षण नज़र नहीं आता, और फिर ये एक उनके लिए एक बड़ी समस्या बन जाता है। इसलिए अगर टाइम रहते इसका इलाज कर लिया जाए तो कई गंभीर दिक्कतों से बचा जा सकता है। दोस्तों, अगर आपको इस परेशानी से बचना है तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है, जिसमें आपका खान पान यानी आपकी डाइट सबसे ज़्यादा मायने रखती है। डॉक्टर्स का भी कहना है कि हाई ब्लड प्रेशर में क्या खाना है क्या नहीं, इसका ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है। तो चलिए आज आपको उन चीज़ों के बारे में बताते हैं जिन्हें आपको हाई ब्लड प्रेशर में अवॉइड करने की ज़रूरत है। दोस्तों, अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर से बचना है या उसे सही रखना है तो आपको ऐसी डाइट लेने की ज़रूरत है जिसमें सोडियम की मात्रा कम से कम हो। अगर देखा जाए तो हम लोग डेली करीब 2300 मिलीग्राम यानी करीब 2 चम्मच नमक अपने खाने में ले लेते हैं, लेकिन हाई ब्लड प्रेशर से पीड़ित लोगों को इसके बजाय सिर्फ 1500 मिलीग्राम ही सोडियम की मात्रा लेनी चाहिए। वहीं इसके अलावा इस तरह के लोगों को पैक्ड आइटम जैसे नमकीन, चिप्स, ब्रेड, पिज्ज़ा वगैरह खाने से बचना चाहिए। सोडियम के अलावा दोस्तों, आपको अल्कोहल से भी दूर बनाकर यानी कि उससे दूरी बनाकर रखनी चाहिए, क्योंकि अल्कोहल हाई ब्लड प्रेशर की परेशानी को और भी बढ़ा सकती है। अगर आप दिन में 3 से ज़्यादा ड्रिंक लेते हैं तो ये आपके लिए ख़तरनाक हो सकता है। दरअसल अल्कोहल में काफ़ी कैलोरी होती है जो आपका वज़न बढ़ाती है, और फिर वज़न बढ़ने की वजह से हाई ब्लड प्रेशर का खतरा और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। साथ ही शराब में मौजूद केमिकल्स आपको दवाओं से रिएक्शन कर सकते हैं जो आपके लिए ख़तरनाक साबित हो सकता है। दोस्तों, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तब भी आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि रेड मीट का ज़्यादा सेवन आपके लिए दिक्कत बढ़ा सकता है। साथ ही ऐसे में आपको ज़्यादा तेल मसाले वाले खाने से भी बचना चाहिए। आपको ज़्यादा फैट वाली चीज़ें जैसे फुल क्रीम मिल्क, मक्खन, घी को भी अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें आपके लिए नुकसानदायक हो सकती हैं जो कि हमारी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है। दोस्तों, डाइट में इन चीज़ों को अवॉइड करके आप खुद को हाई ब्लड प्रेशर के खतरे से बचा सकते हैं। साथ ही अगर आपको खुद को हेल्दी और फिट रखना है तो आप अपनी डाइट में फल और सब्जियां, साबुत अनाज, मछली, मुर्गी और नट्स जैसी चीज़ों को शामिल करें। एक हेल्दी डाइट आपको फिट बॉडी और एनर्जी देगी, साथ ही आप कई तरह की बीमारियों से भी बचे रहेंगे, ताकि आप एकदम हेल्दी और फिट रह सकें। ये हमारी कोशिश होती है कि हम आपके लिए सही जानकारी दे पाए। अब दीजिए समय को इजाज़त, और ऐसी तमाम हेल्थ बेनिफिट्स के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ। अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें। धन्यवाद।